मुंबई के घाटकोपर इलाके में हुए होर्डिंग हादसे को आज 2 महीने पूरे हो चुके हैं। अपराध शाखा के विशेष जांच दल ने शनिवार को अदालत में 3,299 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया। आरोप पत्र में 4 गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोप पत्र के मुताबिक राजकीय रेलवे पुलिस और बृहन्मुंबई नगर निगम के अधिकारियों की भूमिका का पता लगाने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत जांच जारी रहेगी। आरोप पत्र में बीएमसी के 2 अधिकारियों और 6 अधिकारियों के भी बयान शामिल है। इस साल 13 मई को घाटकोपर पूर्व में तूफान की वजह से एक विज्ञापन होर्डिंग गिर गया था। इस हादसे में 17 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 84 अन्य घायल हो गए थे। इस होर्डिंग को जीआरपी की जमीन पर अवैध रूप से लगाया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, महाराष्ट्र, टीवी 24।